आंकड़े कभी भी झूठ नहीं कहते हैं और ये आंकड़े गवाही देते हैं कि कैसे समाज के हाशिए पर एक वर्ग था जो इन्हीं जनधन खातों की वजह से मुख्य धारा से जुड़ गया। जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। जनधन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए नए अवसर बनाए हैं। खाते खुले तो महिलाएं सशक्त हुई, किसानों के हाथ मजबूत हुए और श्रमिकों को सम्मान मिला। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि साल दर साल जनधन खातों में कितने पैसे जमा हुए। खातों की संख्या आपने देख ली। साल 2015 में वापस चलते हैं। साल 2015 में 15,670 करोड़ इकट्ठा हुए जनधन खातों में पैसों के लिहाज से। साल 2016 आया, यह आंकड़ा बढ़ा, 35,672 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। फिर 2017 में 62,972 करोड़ रुपए जनधन खातों में थे। साल 2018 में 78,494 करोड़ और 2019 में 96,107 करोड़ और साल 2021 में 1,45,551 करोड़ रुपए। साल 2022 में ये आंकड़ा 1,66,459 करोड़ का हुआ तो 2023 में 1,98,844 करोड़ रुपए और साल 2024 में अब 2,00,000 के ऊपर पहुंच चुका है ये पैसा और 2024 में 2,31,236 करोड़ रुपए जो कि 14 अगस्त तक का आंकड़ा है, ये पैसा जनधन खातों में इकट्ठा हुआ है। आज आप हर तरफ सुनते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। इसमें हमारी बहनों बेटियों की भूमिका बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए सरकार देश के गरीब, देश के वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही है और इसके साथ ही डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जिसको कि डीबीटी कहा जाता है, इसके जरिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा सीधे इन लाभार्थियों तक इसके जरिए पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक नहीं थी, वो जनधन खातों और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाकर आज गदगद है। और ये बताने के लिए काफी है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं जनधन खातों के जरिए कितनी मजबूत हुई हैं। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ आधी आबादी ने ही उठाया है, जो कि आज मोदी की गारंटी के चलते न सिर्फ आत्मनिर्भर हुई बल्कि खुशहाल जीवन भी जी रही हैं। यानी कि किचन के किसी डब्बे में जमा किए गए पैसे बैंक अकाउंट में इन महिलाओं ने पहुंचा दिए इसी जनधन खाते के जरिए। सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में किसानों ने भी जनधन खाते खुलवाए, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, जिसमें खाते में आज पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आता है, यानी कि बिचौलिए माइनस हो गए डीबीटी के जरिए। गरीब गुरबा मजदूर किसान कभी बैंक सपना भी नहीं देखा, सुना था बैंक कैसा होता है, लेकिन मोदी जी एक नया विजन लेकर आए और आश्चर्यजनक काम उन्होंने किया कि जीरो बैलेंस पर बैंकों में खाते खुलने लगे जनधन योजना के तहत। जनधन योजना के खाते खुलने से काले धन पर भी लगाम लगी है, काला बाजारी खत्म हुई है, बिचौलियों की दुकान का शटर डाउन हो चुका है और अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ शख्स सीधे सरकार से जुड़ गया है। जो काम कई साल पहले हो जाना चाहिए था वो मोदी सरकार के आने के बाद संभव हो पाया। कैसे दुनिया ने जनधन योजना का लोहा माना, आपको आंकड़ों के जरिए हम लगातार बता रहे हैं और ये आंकड़े आपका सीना 56 इंच का जरूर कर देंगे। कोविड के दौरान यही जनधन योजना रक्षक बनती हुई नजर आई। 30,000 करोड़ रुपए
कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला जनधन खातों में जमा किए गए। महिलाओं के खातों में 3 महीने तक 500 रुपए हर महीने भेजे गए। 53.13 करोड़ जनधन खाते खुले, जो कि यूरोपियन यूनियन की जनसंख्या से भी ज्यादा है। 2,30,000 करोड़ रुपए जनधन खाते में इकट्ठा हुए। मॉरिशस, मालदीव, बारबाडोस की इकोनॉमी से ये पैसा बहुत ज्यादा है। 35.37 करोड़ जनधन खाते ग्रामीण और इसके साथ सेमी अर्बन लाइफ को मजबूत करते हुए नजर आए, जो कि जर्मनी, फ्रांस और रशिया की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। 29.56 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं, जो कि लगभग कुल अमेरिकी जनसंख्या के बराबर खड़ी हुई नजर आती हैं। 36.14 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड जारी की गए, जो कि अमेरिका और कनाडा की कुल पॉपुलेशन के बराबर हैं। जनधन योजना के जरिए कैशलेस इकोनॉमी की ओर भारत ने अपने मजबूत कदम बढ़ाए। मोदी सरकार की गुड गवर्नेंस का नतीजा यही है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में 129 गुना की वृद्धि हुई है। साल 2012-13 में 162 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। साल 2023-24 में 16,443 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा ये चीज चलाया जनधन खाता, कि जीरो बैलेंस में खाता खुल गया, जिससे सभी दीदी को, बहुत ऐसी दीदी है जिनको बहुत कठिनाई हो रही थी कि खाता कैसे हम खुलवाए, हमको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मोदी जी ने ये सहायता किया और उसके बाद से सभी दीदी को ये चीज आसान हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को सफल बताते हुए कहा है कि इसकी शुरुआत के बाद मार्च 2015 में हर एक खाते में एवरेज बैलेंस 1,065 रुपए का था, जो कि अब बढ़कर 4,352 रुपए हो चुका है। इसके अलावा जो खातों की तादाद है बढ़ने के साथ जो सेविंग्स हैं, जमा राशि है, उसमें भी एक बड़ा उछाल आया है। मार्च 2015 में कुल जमा 15,670 करोड़ रुपए था, जो कि बीते 14 अगस्त 2024 तक बढ़कर 2,31,236 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर जो आंकड़े पेश किए गए, वो वाकई में इस बात की गवाही देते हैं कि क्यों आम लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने और उनको सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने, यानी कि एग्जीक्यूट करने में प्रधानमंत्री मोदी दूसरों पर भारी नजर आते हैं। यानी कि प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग के साथ साथ है शानदार एग्जीक्यूशन। पहले जनधन खाते खोले तो सबसे ज्यादा बहनों के खाते खुले, फिर मुद्रा योजना शुरू की। हमने बैंकों को कहा कि आप बिना गारंटी के लोन दो, और अगर गारंटी चाहिए तो मोदी मौजूद है।